असत्य पर सत्य रूपी पर्व विजया दसवीं पर्व को मनाने के भाग रूप आज वडोदरा शहर में हिंदू शास्त्र की धार्मिक परंपरा के मुताबिक अस्त्र शस्त्र वाहनों का पूजन का आयोजन किया गया, जहां वडोदरा शहर पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह द्वारा भी प्रताप नगर स्थित पुलिस हेडक्वार्टर में शस्त्रागार सहित अश्व और वाहनों की पूजन अर्चन अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वडोदरा शहर में आज विजया दशमी पर्व को मनाने के भाग रूप आज सुबह से ही एक अनोखा धार्मिक पूर्ण माहौल देखने को मिला था। जाहिर सी बात है कि लंका के राजा रावण पर भगवान श्री राम जी ने प्राप्त किए गए विजय पर्व को मनाने के तहत विजया दशमी पर्व को मनाया जाता है। दशहरा के दिन विजया दशमी पर्व के साथ एक विशेष धार्मिक मान्यता के मुताबिक इस दिन क्षत्रिय समाज सहित हरेक समाज के लोगों द्वारा शस्त्र अस्त्र तथा अपने वाहन सहित अश्वों की परंपरा के मुताबिक पूजा अर्चन का आयोजन किया जाता है, जिसके भाग रूप आज वडोदरा शहर पुलिस विभाग द्वारा भी शस्त्रों का पूजन करते हुए दशहरा पर्व मनाया गया। वडोदरा शहर पुलिस विभाग द्वारा शस्त्र तथा अश्व की पूजा करने के भाग रूप शहर के प्रताप नगर स्थित पुलिस हेडक्वार्टर पर विशेष पूजन का आयोजन किया गया था। प्रताप नगर स्थित आए हुए पुलिस हेडक्वार्टर पर आज पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह द्वारा शस्त्र अश्व तथा वाहनों की पूजन अर्चन करते हुए विशेष धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महंत के द्वारा मंत्रोच्चार के साथ आज वडोदरा शहर पुलिस कमिश्नर द्वारा अलग अलग शस्त्रों की उन पर कुमकुम तिलक लगाने के साथ पुष्प अर्पण करते हुए आज विशेष पूजा की गई। साथ ही पुलिस विभाग के लिए शस्त्र माने जाते वैसे अश्व की भी पूजन की गई, जिसके बाद यहां पर स्थित वैसी अलग अलग प्रकार की बंदूक की भी पूजा अर्चना करते हुए यहां पर कुमकुम तिलक के साथ अस्त्र शस्त्र तथा वाहनों का पूजन किया गया था। इस मौके पर वडोदरा शहर पुलिस कमिश्नर शमशेर सिंह सहित उच्च पुलिस विभाग के अधिकारी तथा भारी तादाद में पुलिस गण मौजूद रहा था। आज विजय दशमी दशहरा अवसर पर हेडक्वार्टर खाते शस्त्र पूजन आयोजन किया गया। आ शस्त्र पूजन में शस्त्रों की पूजा की भगवान ने प्रार्थना करवामां आवी के शस्त्रों असरकारक उपयोग करीने शहर में शांति अने समृद्धि ना वातावरण अमे बनावी शकीए। अने ए पण पूजा करवामां आवी के तमाम जे अमारा पासे साधनों छे एना सदउपयोग करीने शहर में शांति ना वातावरण बनावामां आवे।